सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना क्या है गाइस, आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। सो आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइस, आपको जाना ऐड फोटो में। एंड गाइस ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से आप सभी को अपने मॉडल को ऐड करना है। एंड गाइस मॉडल को ऐड करने के बाद जो आप सभी को सिंपली अपने मॉडल का जो साइज़ है वो अपने बैकग्राउंड के हिसाब से रखना है। और गाइस साइज़ का एक चीज़ ध्यान रखना कि गाइस साइज़ जो आपका मॉडल का वो बैकग्राउंड में ज़्यादा बड़ा ना दिखे, ठीक है। तो मतलब कि वो मीडियम साइज़ में होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस टाइप से आपको इतना रखना है। देन उसके बाद आपको उसमें क्या करना है गाइस, देखिए जो शेडो वाला जो पार्ट है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप मतलब कि मॉडल को यहाँ पे फिक्स कर दोगे, तो उसके बाद आप सबको डुप्लीकेट करके एक मॉडल को, तो उसको इफेक्ट में ले जाना, फिर कलर्स वाले ऑप्शन में ले जाने के बाद इसको ब्लैक एंड वाइट कर देना है, ठीक है, ब्लैक कर देना मतलब पूरा। फिर इरेजर टूल में जाकर इसको इन्वर्ट कर देना, ब्रश का साइज जो है आपको उसको इंक्रीज कर देना है, एंड जो ओपेसिटी हार्डनेस है वो अपने हिसाब से रख लेना है, अदरवाइज आप उसको बाद में भी मैनेज कर सकते हो। फिर आप सभी को उसको साइड साइड में जो है आप सभी को यहाँ पे इसको मतलब ऐसे पेंट करना है, ठीक है, साइड साइड में जो है इसको मतलब डार्क कर देना है। ओके गाइस, इतना हो चुका है आपका। अब आप सभी को गाइस क्या करना है, आपको दोबारा जाना है ऐड फोटो में, एंड यहाँ से ऐड करना है एक और ब्लैक कलर का बैकग्राउंड, ठीक है। यहाँ से हम ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ले लेते हैं। एंड जैसे आप इसको ले लोगे, आपको सेम चीज़ वही करना है, आपको सिंपली इसको जो है साइज इंक्रीज़ कर देना है, एंड इसको आपको सीधा बैक में पहुंचा देना है। फिर उसके बाद आपको उसमें करना है क्या वो मैं बता देता हूँ, पहले हम इसे पीछे पहुंचा देते हैं बिल्कुल। एंड उसके बाद आपको इरेजर टूल में जाना है, फिर उसके बाद आपको उसको इंक्रीज मतलब कि इन्वर्ट कर देना है, एंड जो ब्रश का साइज़ है आपको उसको इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद जो आप सभी को एक बार मतलब यहाँ पे क्या करना है, आपको देखना शेडो आपको कहाँ पहले ज़रूरत है, ठीक है। तो पहले वहाँ पर हम जो है यहाँ पर इस तरीके से पेंट करेंगे, ठीक है, पैरों के पास पहले से पेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर शेडो हम क्रिएट करेंगे थोड़ी थोड़ी दोनों पैरों के पास। उसके बाद जो है गाइस हम इसके थोड़ा सा ओपेसिटी कम कर लेंगे, ठीक है। बट अभी हमारी शेडो जो है कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है, अभी इसमें और भी काम करना है। तो हम उसके बाद अगेन जाएंगे ऐड फोटो में, एंड यहाँ से हम जो है बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में से जाओ, यहाँ से एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ऐड करेंगे दोबारा से वही सेम, ठीक है। एंड उसको जैसे हम इसको ऐड करेंगे, आपको सेम चीज़ वही करनी है, आपको उसको यहाँ पे इंक्रीज करके इसको आपको बैक में पहुँचा देना है बिल्कुल लास्ट में। तो उसको हम लास्ट में पहुँचा देते हैं यहाँ से इस तरीके से जूम करके, एंड इसको मूव डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो फिर कभी रिजल्ट टूल में जाएंगे, इन्वर्ट करेंगे, ब्रश लेंगे, ब्रश को लेने के बाद इसका साइज इंक्रीज करेंगे, एंड उसके बाद एक बार ये ऐसा पेंट करेंगे, देन डन करेंगे। एंड उसके बाद जो इरेजर उसमें ओपोसिटी में जाकर इसकी ओपोसिटी हम थोड़ी सी कम करेंगे, एंड जो साइज़ है ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो उसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो बैग मतलब शेडो जो है बन चुकी है, ठीक है। अभी इसमें वो जो है हमें कुछ चेंजेस और करने हैं, तो जैसा कि ये गाइस अभी कलर करेक्शन रहती है हमारी यहाँ, तो अभी हम इसको पहले यहाँ पे डन करते हैं। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको हम जो है सेव कर लेंगे, ताकि इसको लाइटरूम मैप में ऐड करके और भी रियलिस्टिक बना सकें, ठीक है। तो अभी इसको हम सेव कर लिए हमने, अब इसको लेकर चलते हैं लाइटरूम मैप में। लाइटरूम मैप में ले जाने के बाद आप सबको क्या करना है, पहले आप सबको चले जाना है लाइट वाला ऑप्शन में, पहले इसकी लाइट एडजस्ट करेंगे। तो आपको पहले कॉन्ट्रास्ट जो है इसको इंक्रीज़ कर देना है, एंड जो हाईलाइट्स हैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है, एंड जो शेडो है इसको थोड़ा सा कम कर देना है, कम नहीं मतलब प्लस में ही कर देना थोड़ा सा, एंड वाइट को इंक्रीज़ कर देना है, एंड ब्लैक को कम कर देना है। फिर उसके बाद आपको कलर्स में चले जाना है, फिर यहाँ पे आपको वाइब्रेशन बढ़ा देना है थोड़ा सा, एंड जो टेम्परेचर इसको थोड़ा सा कम कर देना है। फिर चले जाना आपको मिक्स में, ऑरेंज कलर लेना है, इसका पहले ल्यूमिनस बढ़ा देना है आप सभी को, एंड जो सैचुरेशन है थोड़ा सा उसको कम कर लेना है। इतना हो जाने के बाद आप सभी को जाना है ऐसे येलो कलर में, एंड उसके बाद जैसे आप इसमें जाओगे आपको थोड़ा सैचुरेशन कम कर देना है, और फिर ब्लू कलर में जाना है आपको, उसका थोड़ा सा ह्यूज और ल्यूमिनस जो है इसको माइनस कर देना है, फिर कर देना है आपको डन। उसके बाद आपको चले जाना है नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे क्लियरिटी इंक्रीज़ कर देनी है, विगनेट डाल देना है थोड़ा सा फोटो में, ठीक है, अपनी फोटो के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद आप सभी को जो इसका फीदर जो है इसको थोड़ा इंक्रीज़ कर देना है। फिर चले जाना आपको नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज़ कर देनी है, एंड जो नोड रिडक्शन आपको उसको बढ़ा देना है, एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोड रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो फाइनली जो हमारी फोटो जो है कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।